हाय एवरीवन, मैं जया आप सभी का स्वागत करती हूँ अपने चैनल में। कैसे हो आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ ए वाला मेकअप ट्यूटोरियल। सो अगर आप मेकअप में बिगनर्स हो, आपको नहीं पता है कि मेकअप कैसे किया जाता है, तो इस वीडियो को पूरा ज़रूर देखें, क्योंकि इस वीडियो में मैं स्टेप बाय स्टेप मेकअप ट्यूटोरियल शेयर करूंगी। कौन से स्टेप होते हैं मेकअप में, किस तरह आपको मेकअप करना चाहिए, मेकअप करने का तरीका क्या है, कौन से प्रोडक्ट, कौन सा सामान आपको पहले लगाना है, कौन सा प्रोडक्ट आपको बाद में लगाना है, किस तरह से आपको मेकअप के स्टेप फॉलो करने हैं जिससे कि जो आपका मेकअप है ना वो फ्लॉलेस दिखे और आपका मेकअप लंबे समय तक आपके फेस में टिका रहे। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। उससे पहले आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, पास में जो बेल आइकन है ना, घंटी है ना, उसे भी क्लिक कर दीजिएगा जिससे कि मैं जब भी वीडियो अपलोड करूं उसका नोटिफिकेशन आपको मिले और आप हमारी आने वाली अच्छी अच्छी वीडियो मिस ना करो। सो अगर आप बिगनर्स हो, आप अच्छी तरह से मेकअप करना सीखना चाहते हो, तो इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक पूरा जरूर देखें। वीडियो देखने के बाद इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ जरूर शेयर करें। तो चलो देखते हैं बिगनर्स के लिए मेकअप ट्यूटोरियल, बिगनर्स मेकअप कैसे करें। लेट गेट स्टार्टेड। मेकअप शुरू करने से पहले सबसे पहला और ज़रूरी स्टेप, आपको अपना फेस अच्छे से वॉश कर लेना है, आपको अपना फेस अच्छे से क्लीन कर लेना है। आपके फेस में कुछ भी नहीं होना चाहिए। मैं जस्ट अभी अपना फेस वॉश करके आई हूँ। उसके बाद अपने हेयर को इस तरीके से कवर कर लें जिससे कि आप जब भी मेकअप करो ना तो जो हेयर है ना आपको डिस्टर्ब ना करें, नहीं तो हेयर बहुत डिस्टर्ब करते हैं। एक अच्छे मेकअप की शुरुआत होती है स्किन केयर से, तो स्किन केयर में सबसे पहले आपको टोनर अप्लाई करना होता है। टोनर के लिए मैं यहाँ पे यूज कर रही हूँ एक गुड वाइब्स का कोकम्बर टोनर है। इसको मैं अपने फेस में स्प्रे करूँगी और हल्के हाथों से टैप टैप करूँगी जिससे कि जो टोनर है स्किन में अच्छे से अब्जॉर्ब हो जाए। टोनर ड्राई होने के बाद हम मॉइस्चर क्रीम यूज करेंगे। मॉइस्चर क्रीम के लिए मैं यहाँ पे ले रही हूँ पॉन्ड्स लाइट मॉइस्चर क्रीम, तो इसको मैं अपने फेस में अच्छे से अप्लाई करूँगी। देखो, मॉइस्चर क्रीम भी आपको अपनी स्किन टाइप के हिसाब से अप्लाई करना है। अगर आपकी ऑयली स्किन है तो आपको लाइट बेस सा जेल बेस मॉइस्चर क्रीम अप्लाई करें। अगर आपकी ड्राई स्किन है तो आपको थिक सा मॉइस्चर क्रीम अप्लाई करें। सो ये जो क्रीम है ना, नॉर्मल टू ड्राई स्किन वालों के लिए अच्छे से सूट करेगी और ये क्रीम आपके फेस को अच्छे से मॉइस्चराइज कर देती है और चिपचिप एकदम नहीं करती है। तो इससे मैं अपने फेस को और नेक को अच्छे से मॉइस्चराइज कर लूँगी। नेक्स्ट मैं अपनी लिप्स को भी मॉइस्चराइज करूँगी। आप अपने लिप्स को अच्छे से मॉइस्चराइज कर लो जिससे कि आप जब लास्ट में लिपस्टिक अप्लाई करो ना, लिपस्टिक आपकी लिप्स में स्मूथली अप्लाई हो जाए, आपकी लिप्स चैप्ड या फिर फटे हुए ना दिखे। अब हम अप्लाई करेंगे प्राइमर। तो प्राइमर के लिए मैं यहाँ पर ले रही हूँ NYV का ऑरेंज कलर कटिंग प्राइमर। सो प्राइमर को हमें थोड़ा सा लेके अपने टी जोन एरिया में, मतलब जहाँ पे हमारे ओपन पोर्स होते हैं ना, वहाँ पे पहले डॉट डॉट करो। उसके बाद हल्के हाथों से आपको प्राइमर पूरे फेस में अप्लाई कर लेना है। प्राइमर क्या करता है, जो आपके पोर्स हैं, जो आपके रोम छिद्र हैं ना, उन्हें क्लोज कर देता है और आपका जो मेकअप होता है ना लंबे समय तक आपके फेस में टिका के रखता है। और आप इसके ऊपर जो फाउंडेशन अप्लाई करते हो ना, फाउंडेशन को आपकी स्किन के अंदर तक नहीं जाने देता है। नेक्स्ट स्टेप में हम फाउंडेशन अप्लाई करेंगे। फाउंडेशन के लिए मैं यहाँ पे ले रही हूँ लैक्मी इनविजिबल फिनिश फाउंडेशन। इसमें मेरा शेड है 02। तो फाउंडेशन को कभी भी डायरेक्टली अपने फेस में अप्लाई ना करो। सबसे पहले फाउंडेशन को अपने हैंड्स में निकालो, उसके बाद फिंगर से, कुछ मिक्स नहीं करना है इसमें, अगर आप मिक्स करना चाहते हो तो कर सकते हो, फिंगर से ही इसे अच्छे से मिक्स कर लो। ऐसा करने से क्या होगा, आपका जो फाउंडेशन है ना उसमें हल्की सी गर्माहट आएगी और जब आप इसे अपने फेस में अप्लाई करोगे ना, ब्लेंड करोगे, तो ये ना ईजिली ब्लेंड होगा। आप इन छोटी छोटी ट्रिक्स को फॉलो करके अगर आप अपना मेकअप करोगे ना तो आप देख पाओगे आपका मेकअप बेस बहुत ही अच्छा होगा। उसके बाद आपको फाउंडेशन को फेस में फिंगर से डॉट डॉट कर लेना है। ऐसा करने से क्या होता है, जो फाउंडेशन है ना आपके पूरे फेस में एक समान अप्लाई होता है, कहीं कम कहीं ज़्यादा अप्लाई नहीं होता है। सो फाउंडेशन की आप क्वांटिटी कम रखो। अगर आप बिगनर्स हो तो आप डायरेक्टली ज़्यादा से फाउंडेशन अप्लाई ना करो, नहीं तो फिर आपका मेकअप भी स्की की पैची दिख सकता है। फाउंडेशन को आप अपने नेक में भी अप्लाई करो, नेक एरिया कभी मत भूला करो, नहीं तो आपका फेस और नेक अलग दिखेगा। फाउंडेशन को ब्लेंड करने के लिए आप इस तरीके का फाउंडेशन ब्रश का यूज कर सकते हो या फिर आप ब्यूटी ब्लेंडर का यूज कर सकते हो। अगर आप चाहते हो कि आपका मेकअप भी एकदम फ्लॉलेस डूई दिखे तो मैं बोलूँगी आप ब्यूटी ब्लेंडर का यूज करें। ब्यूटी ब्लेंडर को यूज करने का भी एक तरीका है। पहले आपको एक कटोरी लेना है, उसमें पानी भर लेना है और ब्यूटी ब्लेंडर को इस तरीके से डुबाना है, निकालना है, हल्का सा दबाना है। ऐसा आपको जब तक कर लेना है जब तक कि आपका जो ब्यूटी ब्लेंडर है ना अच्छे से पानी को सोक ना कर ले। आप लोग देख सकते हो मेरा जो ब्यूटी ब्लेंडर है ना डबल साइज का हो चुका है।
अब हम क्या करेंगे, इसका जो एक्स्ट्रा पानी है ना सब इस तरीके से निकाल देंगे। उसके बाद आपको एक ड्राई टॉवल लेना है, उसमें ब्यूटी ब्लेंडर को रखना है और हल्के हाथों से इस तरीके से दबाना है जिससे कि जो एक्स्ट्रा पानी है टॉवल सोक कर ले। अब हमारा ब्यूटी ब्लेंडर रेडी है फाउंडेशन को ब्लेंड करने के लिए। और मैं बोलूँगी कि आप इस स्टेप को ना जब आप मेकअप करने बैठो पहले ही करके रख दो। आप लोग देख सकते हो हमारा फाउंडेशन ईजिली ब्लेंड हो रहा है। ब्यूटी ब्लेंडर ना एक बहुत बड़ा रोल है आपके मेकअप बेस को ब्लेंड करने के लिए। सो मैं बोलूँगी आप कोई अच्छी क्वालिटी का ब्यूटी ब्लेंडर का यूज करें। अगर आपका ब्यूटी ब्लेंडर का क्वालिटी अच्छा नहीं है तो आप कितना भी महंगा फाउंडेशन अप्लाई कर लो, आपका मेकअप बेस कभी अच्छा नहीं होगा। आपको इस बात का भी ध्यान रखना है। सो आपको टैप टैप करते हुए फाउंडेशन को ब्लेंड करना है, घिसना नहीं है। सो मैंने अपने फेस और नेक के फाउंडेशन को अच्छे से ब्लेंड कर लिया है। और आप लोग देख सकते हो मैंने अपनी अंडर आई आईलिड में फाउंडेशन को अप्लाई नहीं किया है। यहाँ पे हम यूज करेंगे कंसीलर का, ठीक है। तो कंसीलर के लिए मैं यहाँ पे ले रही हूँ इनसाइड का HD कंसीलर। इसमें मेरा सेड है LN10। सो इसको हम अपनी अंडर आई आईलिड वगैरह में अप्लाई करेंगे और अपने फेस को हाईलाइट दिखाने के लिए हम कंसीलर का यूज करते हैं। अगर आपके फेस में कहीं दाग धब्बे हैं तो आप उन्हें भी छुपा सकते हो कंसीलर की हेल्प से। सो कंसीलर को सबसे पहले मैं अप्लाई करूँगी अपनी अंडर आई में, उसके बाद अप्लाई करूँगी अपनी आईलिड में, थोड़ा सा कंसीलर मैं अपनी नोज में भी अप्लाई करूँगी, माउथ के अराउंड भी हल्का हल्का अप्लाई करूँगी जिससे जो माउथ के अराउंड पिगमेंटेशन होती है ना वो कैंसिल आउट हो जाए। फॉरहेड में भी मैंने थोड़ा सा अप्लाई किया है फॉरहेड को हाईलाइट दिखाने के लिए। अगर आपके फेस में कहीं दाग धब्बे हैं तो आप उन्हें छुपाने के लिए भी कंसीलर का यूज कर सकते हैं। उसके बाद मैं वही ब्यूटी ब्लेंडर ले रही हूँ। ब्यूटी ब्लेंडर की सहायता से हम अपने कंसीलर को अच्छे से ब्लेंड कर लेंगे। आप लोग देख सकते हो आपने जहाँ जहाँ पे कंसीलर अप्लाई किया है ना वहाँ वहाँ पे ही ब्लेंड करें, पूरे फेस में कंसीलर को ना फैलाएं। इससे क्या होगा आपका फेस ना, मतलब आपको जहाँ जहाँ पे हाईलाइट दिखाना है आप वहीं वहीं पे ब्लेंड करो, इससे एक अलग ही लेवल का लुक आता है। अभी आप लोग देख पाओगे हमारी अंडर आई थोड़ी ब्राइट लैम्प दिखेंगी। अगर हम कंसीलर को पूरे फेस में फैला देंगे ना तो उतना अच्छा लुक नहीं आता है, तो आपको इस बात का भी ध्यान रखना है। ब्यूटी ब्लेंडर से अच्छे से हम अपने कंसीलर को ब्लेंड करेंगे। उसके बाद आपको तुरंत ही अपने मेकअप बेस को सेट कर लेना है किसी भी लूज पाउडर से या फिर कॉम्पैक्ट पाउडर से। तो मैं यहाँ पे लैक्मी का कॉम्पैक्ट पाउडर यूज कर रही हूँ। सबसे पहले आप तुरंत अपनी अंडर आई को सेट कर लो, ठीक है। अंडर आई को छोड़ना नहीं है नहीं तो फिर क्रीज पड़ जाएंगी, इस बात का ध्यान रखना है। तो मैं थोड़ा सा कॉम्पैक्ट लेके सबसे पहले मैं अपनी अंडर आई को सेट करूँगी, उसके बाद मैं अपनी आईलिड को सेट करूँगी। और मेरी ड्राई स्किन है तो मैं एकदम हल्का हल्का ही कॉम्पैक्ट अप्लाई कर रही हूँ। अगर आपकी ऑयली स्किन है तो आप थोड़ी सी ज़्यादा क्वांटिटी में लूज पाउडर या फिर कॉम्पैक्ट अप्लाई कर सकते हो। तो मैं थोड़ा थोड़ा पाउडर ले रही हूँ और अपने मेकअप बेस को भी सेट कर लूँगी। मैंने आपको बताया है आपको छोड़ना नहीं है, आपका जैसे मेकअप बेस रेडी हो जाए तुरंत आप अपने मेकअप बेस को सेट कर लो। अब हम अपनी आईब्रो को फिल करेंगे। आईब्रो को फिल करने के लिए आप इस तरीके की आईब्रो पैलेट का यूज कर सकते हो, इसमें आपको प्रैक्टिस लगेगी, नहीं तो आप इस तरीके की आईब्रो पेंसिल का भी यूज कर सकते हो। मैंने यहाँ पे मार्स की आईब्रो पेंसिल ली हुई है। इसमें जो ब्रश मिला था ना, सबसे पहले मैं ब्रश से अपने आईब्रो को इस तरीके से ब्रश कर रही हूँ। इससे क्या होगा, अगर आपकी आईब्रो में कहीं फाउंडेशन लगा होगा ना तो वो क्लीन हो जाएगा और आपकी जो आईब्रो की हेयर है ना वो एक समान हो जाएंगे और आपको आईब्रो फिल करने में दिक्कत नहीं होगा। उसके बाद आपको छोटे छोटे स्ट्रोक में एकदम हल्के हाथों से अपनी आईब्रो की जो लाइन है ना उन्हें फॉलो करते हुए अपनी आईब्रो को फिल कर लेना है। आईब्रो को फिल करते समय आपको एक बात का ध्यान रखना है, आप ब्राउन कलर से अपने आईब्रो को फिल करो, ब्लैक की तरफ मत जाओ। ब्लैक से ना आपकी आईब्रो फेक लगती हैं, लेकिन हाँ अगर आपकी आईब्रो एकदम डीप ब्लैक कलर की हैं तभी आप ब्लैक कलर की आईब्रो पेंसिल या फिर आईब्रो पाउडर से अपनी आईब्रो को फिल करो। अब हम करेंगे आई मेकअप। तो आई मेकअप में आज मैं आप लोगों के साथ एकदम सिंपल सा आई मेकअप लुक शेयर करूंगी जो कि आपके हर ड्रेसेस के साथ जाए और दिखने में खूबसूरत दिखे। सबसे पहले मार्स की साइसेडो पैलेट में से मैं एक ब्राउन कलर है जो कि एकदम लाइट ब्राउन कलर है, इसे मैं पिक कर रही हूँ एक फिल्पी ब्रश में। फिल्पी ब्रश कुछ इस तरीके का होता है जिसे हम ब्लेंडिंग ब्रश भी कहते हैं। यहाँ पर मैं जूम कर दे रही हूँ जिससे कि आपको आई मेकअप लुक अच्छे से समझ में आए। इस ब्राउन कलर को मैं ब्लेंड करूँगी अपनी क्रीज लाइन में, अच्छे से ब्लेंड करूँगी। जब तक ब्लेंड करूँगी जब तक कि ये जो कलर है एकदम ब्लेंडेबल ना दिखे। देखो आप जब भी आई मेकअप करो जो भी कलर अप्लाई करो ना उसे अच्छे से ब्लेंड करो।
आप जितने अच्छे से ब्लेंड करोगे ना, आपका आई मेकअप उतना ही खूबसूरत दिखेगा। उसके बाद उसी पैलेट में से मैं ए वाला से पिक कर रही हूँ, जो कि गोल्डन कलर, इसमें ना गोल्ड, पीच और हल्का सा इसमें ऑरेंज भी मिक्स है। तो इस सिमरी शेड को मैंने फिंगर में पिक किया हुआ है और इसे मैंने अप्लाई किया है मिडिल लिड में, और इसे मैं फिंगर से ब्लेंड कर रही हूँ। जो सिमरी शेड होते हैं ना, वो फिंगर से अच्छे से अप्लाई हो जाते हैं। उसके बाद उसी पैलेट में से मैंने पिक किया हुआ है ये सिल्वर कलर, जो कि सिल्वर सिमरी शेड है, इसे मैं अप्लाई कर रही हूँ अपनी इनर लिड में, जैसे कि मैं आपको वीडियो में दिखा रही हूँ। उसके बाद मैंने एक ब्रश में फिर से वही ब्राउन कलर को हल्का सा पिक किया हुआ है और उसमें क्रीज लाइन में ब्लेंड कर रही हूँ और अपने आउटर कॉर्नर में इस कलर को अच्छे से ब्लेंड कर दूंगी। उसी शेड को लेके मैं अपने लोअर लैश लाइन में भी अच्छे से स्मज कर दूंगी। आप जब भी मेकअप करो, अपने आईलिड में जो कलर अप्लाई करो, उसे आप अपनी लोअर लैश लाइन में जरूर स्मज किया करो। इससे आपकी आईज का लुक बहुत ही अच्छा आता है। अब हम अप्लाई करेंगे आईलाइनर। आईलाइनर के लिए मैं यहाँ पे एनबाबी का आईलाइनर यूज कर रही हूँ। ये जो आईलाइनर है ना, सच में बहुत ही अच्छा आईलाइनर है। इस आईलाइनर को मैं आप लोगों को हाईली रिकमेंड करूँगी, क्योंकि ये ना बहुत अफोर्डेबल है और इसका जो ब्रश है ना, इतना पतला है ना, आप इससे आप किसी भी तरीके का आईलाइनर अप्लाई कर सकते हो और एकदम जेट ब्लैक आईलाइनर है, स्मज प्रूफ है, वाटर प्रूफ है। सो यहाँ पर मैं आईलाइनर अप्लाई कर लूँगी। अगर आपसे आईलाइनर अप्लाई नहीं होता है, आपसे नहीं बनता है, तो मेरे चैनल में आपको वीडियो मिल जाएंगी, तो आप लोग जाके देख सकते हो। उनका लिंक मैं आप लोगों को दे दूंगी, तो आप लोग जाके देख सकते हो अगर आपको आईलाइनर अप्लाई करने में प्रॉब्लम होती है तो। अब हम काजल अप्लाई करेंगे। काजल के लिए मैं यहाँ पे यूज कर रही हूँ मेबलिन का कोलोसल काजल। इसको मैं अपने लोअर वाटर लाइन में अच्छे से अप्लाई करूँगी। ये ना एक जेट ब्लैक काजल है और स्मज प्रूफ है, वाटर प्रूफ है, तो इसे मैं अपनी दोनों आँखों में अप्लाई कर लूँगी। उसके बाद मस्कारा अप्लाई करूंगी। मस्कारा के लिए मैं यहाँ पे ले रही हूँ मेबलिन का कोलोसल मस्कारा। इससे मैं अपनी अपर लेस और लोअर लेस को अच्छे से कोट करूंगी। सो मैं अपनी दोनों आँखों के लेसेस में मस्कारा को अप्लाई कर लूंगी। सो अब मैं लेसेस अप्लाई कर रही हूँ। सो आप लेसेस जरूर अप्लाई किया करो। लेसेस लगाने से ना आपकी आईज का जो लुक है ना, वो 10 गुना बढ़ जाता है, सच में। सो अगर आप बिगनर सुना तो आपके मन में आ रहा होगा कि नहीं, मैं लेसेस नहीं लगा पाऊंगी, आप प्रैक्टिस करो, आ जाएगा। अगर नहीं आ रहा है ना, कौन सी प्रॉब्लम आ रही है आपको लेसेस लगाने में, मुझे कमेंट में बताओ, मैं उस टॉपिक में वीडियो लेके आऊँगी। आप लोग दोनों आईज में डिफरेंस देख सकते हो लेसेस लगाने से हमारी आईज कैसी लगती है और ना लगाने से कैसी। सो मैं बस आपको यही बोलूँगी कि आप लोग लेसेस जरूर लगाया करो अगर आप चाहते हो कि आपका मेकअप अलग ही लेवल का दिखे। सो यहाँ पे मैं अपनी दोनों आँखों में लेसेस अप्लाई कर लूँगी। नेक्स्ट स्टेप में हम अपने फेस को कॉन्टोर करेंगे। तो फेस कॉन्टोर के लिए मैं यहाँ पे स्विच ब्यूटी का फेस पैलेट ले रही हूँ। सो मैं बोलूँगी, अगर आप बिगनर्स हो तो आप क्रीम कॉन्टोरिंग की तरफ मत जाओ, आप पाउडर कॉन्टोर करो, ये बहुत इजी होता है। यहाँ पे मैंने एक छोटा सा कॉन्टोर ब्रश लिया हुआ है। सो कॉन्टोर का मैं आपको इजी सा तरीका बता दे रही हूँ कॉन्टोर करने का। आपकी जहाँ पे जो आईज है ना ख़त्म होती है, वहाँ से आपको लेके जाना है अपने ईयर तक और चिन में कुछ इस तरीके से अप्लाई कर लेना है, जैसे कि मैं आपको वीडियो में दिखा रही हूँ। फॉरहेड में भी कुछ इस तरीके से अप्लाई कर लेना है आपको। उसके बाद नोज में भी हल्के हल्के हाथों से कुछ इस तरीके से आपको लाइन ड्रॉ करनी है। और आप ना जब भी कॉन्टोरिंग करो, ब्रश में एकदम हल्का हल्का प्रोडक्ट लो, ज़्यादा मत लो, नहीं तो फिर आपका मेकअप ख़राब हो सकता है। नोज कॉन्टोरिंग करने के बाद मैंने क्या किया है, फिंगर में थोड़ा सा वही पाउडर लेके अप्लाई किया है मिडिल में। ऐसा करने से ना आपकी जो नोज है ना, वो बहुत ही स्लिम दिखती है, आप लोग देख सकते हो डिफरेंस। उसके बाद मैंने जो कॉन्टूर अप्लाई किया था ना, उसे हम अच्छे से ब्लेंड करेंगे, एकदम अच्छे से ब्लेंड कर लेना है। मतलब कलर अप्लाई होना चाहिए, लेकिन हमारे फेस में हाथ नहीं दिखना चाहिए, इतने अच्छे से आपको ब्लेंड करना है। नेक्स्ट हम ब्लश अप्लाई करेंगे। ब्लश के लिए मैं यहाँ पे यूज कर रही हूँ एन बाई वी का ये ब्लश, और इसको ब्रश में लेंगे, एक्स्ट्रा को डस्ट आउट करेंगे और स्माइल करते हुए हम ब्लश को अप्लाई कर लेंगे। सो जैसे कि मैं आपको वीडियो में दिखा रही हूँ, आपको ब्लश को जिस तरीके से अप्लाई करना है, चीक्स में अप्लाई कर लेना है और ऊपर की तरफ इस तरीके से ले जाना है। उसके बाद हम हाइलाइटर अप्लाई करेंगे। तो हाइलाइटर के लिए आपको इस तरीके का फैन ब्रश चाहिए। अगर आपके पास नहीं है तो कोई बात नहीं, आप नॉर्मल से ब्रश से भी हाइलाइटर को अप्लाई कर सकते हो। हाइलाइटर को आपको अप्लाई करना होता है चीक बोन, आपके चीक के ऊपर, चीक के ऊपर जो बोन होती है ना, वहाँ पर आपको हाइलाइटर अप्लाई करना होता है।
उसके बाद आपको चिन में हाइलाइटर को अप्लाई करना होता है। क्यूटब बो मतलब आपके लिप्स के ऊपर जो जगह है ना वहाँ पे आपको हाइलाइटर अप्लाई करना होता है। और नोज के लिए पूरी नोज आपको हाइलाइटर नहीं करनी है, फिंगर में थोड़ा सा हाइलाइटर लेना है और आपकी जो नोज की टिप है वहाँ पे अप्लाई करना है और ऊपर की तरफ कुछ इस तरीके से अप्लाई कर लेना है। बस आपकी नोज आप देख पाओगे बहुत ही सुंदर दिखेगी। ब्राउ बोन को आपको हाईलाइट करना है तो पूरी ब्राउ बोन के नीचे हाईलाइटर अप्लाई नहीं करना होता है, मिडिल से लेके लास्ट तक कुछ इस तरीके से आपको हाईलाइटर अप्लाई करना है। उसके बाद आपको छोटे वाले फिंगर में हाईलाइटर को पिक करना है, अपनी इनर कॉर्नर को भी हाईलाइट कर लेना है। आप चाहो तो छोटा सा ब्रश का भी यूज कर सकते हो। और फॉरहेड को मैंने स्किप कर दिया है क्योंकि मेरा फॉरहेड वैसे भी बहुत बड़ा है। अगर आपका फॉरहेड छोटा है तो आप अपने फॉरहेड को भी हाईलाइट कर सकते हो। मेकअप सेटिंग स्प्रे को आपको अपने फेस में स्प्रे कर देना है, एक हाथ दूर रख के। बस आपका मेकअप सेट हो जाएगा, लंबे समय तक आपके फेस में टिका रहेगा। फेसिक्स कनाडा का मैंने सेटिंग स्प्रे का यूज किया था। उसके बाद मैं यहाँ पे एक लिप लाइनर ले रही हूँ जो कि ब्राउनिश रेड कलर है। इससे मैंने अपने लिप्स को अच्छे से लाइन कर लिया है। लिपस्टिक के लिए मैं यहाँ पे यूज कर रही हूँ ब्लू हेवन की लिपस्टिक। इसका सेट मैं दे दूँगी आप लोगों को, इसका लिंक तो आप लोग देख सकते हो अगर आपका मन हो तो। सारे प्रोडक्ट का लिंक आप लोगों को नीचे मिल जाएगा, नहीं तो फिर आप लोग कमेंट करते रहते हो कि दीदी इस प्रोडक्ट का लिंक दे दो, इस प्रोडक्ट का लिंक दे दो। उसके बाद मैं अपनी जो हमारा नेक एरिया खुला था ना उसको भी हाईलाइट कर रही हूँ। मेकअप यहाँ पे हो चुका है, मैं ईयरिंग्स और हेयर स्टाइल बना के मिलती हूँ। सो फुल मेकअप कुछ इस तरीके का लग रहा था। आई होप आप लोगों को आज की वीडियो पसंद आई होगी, बिगनर्स के लिए आज की वीडियो हेल्पफुल रही होगी। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक जरूर करो। बाय बाय, टेक।